तराई केंद्रीय वन विभाग की भावना रेंज में चोरी से काटे गए सागौन के पेड़ों की लकड़ी पर वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग की गठित एमओजी टीम के प्रभारी रूप नारायण गौतम के नेतृत्व में अधिकारियों ने जंगल माफिया पर शिकंजा कसते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित एक अरा मशीन पर छापेमारी करते हुए भावना रेंज से काटे गई लाखों रूपये की सागौन की लकड़ी सहित दो वन तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए वन तस्कर कीमती लकड़ियों को आरा मशीन से चीर कर उसे अवैध रूप से मार्केट में बेचने के फिराक में थे। इसके अलावा वन विभाग की टीम ने आरा मशीन से ही तस्करी में प्रयुक्त दो वाहनों को भी पकड़ा है, जिन्हें हल्द्वानी लाकर रेंज के परिसर में खड़ा कर सीज कर दिया गया है। रेंज है यहाँ से 19 तारीख या एक 19 तारीख और दूसरी 22-23 तारीख में दो घटनाएं घटी सागौन की, तो हम लोग इसमें फिर इसकी जाँच प्रभागीय अधिकारी मुझे दी गई, क्योंकि मैं एसओजी इंचार्ज में हूँ, इस नाते मुझे जाँच अधिकारी इसमें नामित किया गया। मैंने अपने मुखरतन को डेवलप किया और मुखरतन से पता चला कि कुछ लोग हैं जो इस घटना को कर सकते हैं, तो उन लोगों के नंबर हमने सर्विलांस पे लगाए और उससे ट्रेस हुआ कि कुछ लोग ये बरेली जनपद के रहने वाले हैं। फिर मैंने वहाँ से दो लोगों को उठाया, उनको जब उनसे बात हुई, उनको जाँच की, तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ सर, ये घटना मेरे द्वारा की गई और इसमें फला फला लोग शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर बरेली स्थित एक मिस्टर हसीब हैं, उनकी आरा मशीन से 4 लाख सागौन के और स्लीपर बरामद किए। उनकी ही निशानदेही पर जो लोग गाड़ी भेजते थे, एक पिकअप और एक कैंटर सीज किए। देखिए, जो मुलजिम हमने जो मार्क हुए थे, जो सर्विलांस से हमें पता चला था, उन दोनों, एक ड्राइवर है और एक इसमें पार्टनर है लकड़ी का, उसको हमने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। और लोग हैं उसमें जो बीच में हैं, जो सत्तर किस्म के लोग हैं, वो भी गिरफ्तार होने हैं और हमारी टीम में भी काम कर रही है। मशीन पर हमने आरे द्वारा जो हमारी लकड़ी गई थी वो हमने बरामद कर लिए, कुछ लकड़ी उसमें से चिरके कहीं बाहर चली गई थी। यूपी के वन विभाग द्वारा उस आरा मशीन को फिलहाल सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो भी होगी, वन अधिनियम के तहत इस पर अपराध दर्ज किया गया है और आरा मशीन नियमावली के तहत इस पर अपराध दर्ज किया गया है। और अभी इसमें जो और इनपुट मिल रहे हैं कि जो जिसके बीच में और जो लोग हैं उनके खिलाफ भी हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। बराबर लकड़ी की कीमत होगी करीब 2 लाख रुपए की लकड़ी होगी इसमें।